हेलो जी, सारे नूं सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल ते अज तुहानू रोंगी दी सब्जी दिखावांगे किद्दां बनानी है। रोंगी असी बॉयल करी है कुकर दे विच। पहलां असी इहनूं विसलां लगा लईआं। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है, इहदा दाणा पिस रिहा। हुण असी इहनूं तड़का लगावांगे रोंगी नूं। ये बहुत ही वधिया सब्जी बनती है जी। ये असी प्याज लसन अदरक मिक्सी च ग्राइंड कर लिया। देखो कितना वधिया इहदा पेस्ट तैयार हो गया। तो इधर असी सरसों का मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई च पा लिया। इहनू चंगी तरह गर्म कर लिया। इहदे विच असी हुण जीरा पावांगे। जीरे नूं भी चंगी तरह गर्म कर लेना। हुण असी लसन अदरक प्याज का पेस्ट पावांगे इहदे विच। तड़के नूं चंगी तरह ब्राउन कर लेना। लसन अदरक प्याज अच्छी तरह ब्राउन करना। जिन्ना असी तड़का भुन्नांगे उन्ना ही ज़्यादा सब्जी टेस्टी बनेगी। ये असी टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बनाया। इस तरह ऐड करो कि टमाटर से हरी मिर्च बिल्कुल पता नहीं लगता। असी ऐड कर देंगे ये चंगी तरह मिक्स कर देना है। टमाटर के पेस्ट में लसन अदरक प्याज के विच। जे तुसी साडा चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। तो वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। जे तुहानूं साडी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर देना। हुण असी इहदे विच टेस्ट मुताबक नमक ऐड करांगे। उह तुसी देखना कई घट खांदे कई ज़्यादा खांदे आ। हल्दी पाउडर पा देंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होंदी है। सर्दियों के हल्दी की वरतों करनी चाहिए है। वैसे भी इनू दुध के पा के पी सकते हैं तुसी सर्दियों के। रेड मिर्च असी थोड़ी ऐड करांगे क्योंकि असी हरी मिर्च पहले ही पा चुके हैं टमाटर के। हुण असी इहदे विच गरम मसाला थोड़ा ऐड करांगे MDH वाला। नाल साडे कोल सुक्की मेथी आ, वह भी असी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा इहदे नाल अच्छा फ्लेवर बन जाता सब्जी का। तड़के नूं असी सिम ते भुनना। गैस सिम कर लो तां कि तड़का अच्छी तरह तुहाडा बन जाए। इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लेना सारियां चीज़ां नूं। तड़का जिन्ना अच्छा बनया होएगा उन्नी सब्जी अच्छी बनती है। सब्जी सारी तड़के दे डिपेंड करती है। जो थोड़ा तड़का अच्छा बनता तो सब्जी भी अच्छी बनेगी। तुसी देखो सब्जी तड़का कितना वधिया बन चुका। तुहाडे मुँह च पानी आ गया हुण देख के तड़के नूं। इहनूं वैसे असी रोटी दे नाल वैसे भी खा सकते हैं। कई बार अपना दिल नहीं ना करता सब्जी खाण नूं ते तड़के नूं तुसी रोटी दे नाल भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता। कदे कदे टेस्ट चेंज कर ली। हुण असी इहनूं 5 मिंट लई ढक देवांगे।
तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। देखो शक्ल इहदी किन्नी अच्छी बन गई। तड़का हुण बिल्कुल रेडी है। हुण असीं इहदे विच ऐड करांगे रौंगी जिहड़ी असीं बॉयल कीती हुई है। इहनूं असीं पहलां ही बॉयल करिया सीगा। चंगी तरह ऐड कर देना रौंगी नूं मसाले च। जे तुहानूं साडी वीडियो अच्छी लगी तां लाइक सबसक्राइब ते शेयर जरूर करना ते कमेंट बॉक्स विच दसना कि रौंगी दी सब्जी दी रेसिपी तुहानूं किद्दां लगी। हुण असीं इहनूं थोड़ी देर लई ढक दिंदे हां तां कि जिहड़ा मसाला उह अच्छी तरह रौंगी दे विच मिक्स हो जाएगा। पहला तेज सेक ते रखनी है, फिर उस तो बाद इनू सिम ते करके ढक देवांगे। सब्जी साड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखो कितना मिक्स हो गया इहदे विच सारा कुछ मसाले वगैरह। हुण असीं इहदे विच हरा धनिया ऐड कर दिंदे हां। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਅਤੇ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸਣ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੌਂਗੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੌਂਗੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।